फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस नई वीडियो पे। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो ब्लू डार्ट वाले होते हैं एक्स्ट्रा पैकेट दे देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि ड्यूटी का टाइम क्या होता है, 8:30 से 6:30 या 6 बजे तक का टाइम होता है। जैसे कि मैं अपनी ड्यूटी पे, मुझे थोड़ा सा यहाँ से जाने में लेट हो जाता हूँ। यहाँ पे हमारे इधर जो है रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो मैं मैक्सिमम वहाँ पे 9 बजे पहुँच जाता हूँ, और 9 से 6:30 बजे तक का तो टाइम जायज़ है। चलो ठीक है, फिर भी मैं 7 बजे तक वहाँ पे ब्लू डार्ट के ऑफिस में रहा, और 7 बजे के बाद भी जो पैकेट मैंने आप लोगों को दिखाए थे ना अपनी पहली वीडियो में, वो पैकेट जो मेरे वापसी गए थे, जो कैंसिल थे, कुछ जैसे कि कस्टमर फ़ोन वगैरह नहीं उठाते हैं और उनसे संपर्क नहीं हो पाता है, तो वो पैकेट हमें वापस ऑफिस में ही लेके जाना पड़ता है, ताकि नेक्स्ट डे फिर हम उन्हीं पैकेट को दोबारा उठा के उन्हें डिलीवर करें। तो जो हमारा पहले पैकेट था, इसमें जो हमारे सीनियर हैं, तो उनको मैंने मना भी करा था, और उनको मैंने कहा था कि इस वक्त मतलब टाइम हो गया था हमारा 7:15 का टाइम हो चुका था, और उन्होंने ज़बरदस्ती हमारा जो सीनियर है उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे ये 4 पैकेट दिए हैं। उनको मैंने बोला भी था कि मैं इस टाइम पैकेट ये डिलीवर नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने ऊपर मतलब उन हमारे जो सीनियर है जो हमें हमारी सैलरी देते हैं, तो उनको फ़ोन करके उन्होंने बताया कि मैं पैकेट लेकर नहीं जा रहा हूँ। तो फिर उनसे मेरी बात कराई है, तो उन्होंने बात करके मुझे कहा है कि आप ये 4 पैकेट लेके जाओ, डिलीवर करो, और मुझे पता था ये 4 पैकेट डिलीवर नहीं होंगे। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बैग ले रखा है, पिट्ठू बैग में, तो इस बैग के अंदर वो पैकेट पड़े हुए हैं। जैसे कि इन्होंने 4 पैकेट दिए थे, 4 में से मैंने फिर भी कोशिश करके 1 पैकेट डिलीवर कर दिया, और बाकी के जो 3 पैकेट थे कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैं पूरा दिन परेशान रहा हूँ इन पैकेटों के लिए, तो अब मुझे रात को भी इन्होंने परेशान किया है, और इनके ये 4 पैकेट की वजह से मैं रात को 9:30 9 बजे घर पे पहुंचा हूँ। तो इनको भी सोचना चाहिए कि क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं। इनको तो बस अपने पैकेट से मतलब है, हमारे पैकेट डिलीवर हो जाएं बस। मैं आप लोगों को अपने इस बैग में वो पैकेट दिखा देता हूँ। तो ये है वो पिट्ठू बैग जिसके अंदर ये पैकेट पड़े हैं। ये देखिए, ये वाला जो सा पैकेट है, ये मैंने आप लोगों को अपनी पहले वाली वीडियो में भी दिखाया था कि ये कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहा, और मैं सारी जगह इसका जहाँ इन्होंने ये एड्रेस पाया था सब जगह ढूंढ लिया, मेरे को इनका एड्रेस भी नहीं मिल रहा, ना ही ये कॉल उठा रहे हैं। और बाकी के ये जो 2 पैकेट हैं ये भी हैं, मतलब कि 4 दिए थे जिनमें से 4 में से 1 मैंने डिलीवर कर दिया है, और जो ये 3 रह गए हैं अब इनको मैं वापस लेके जाऊंगा ऑफिस में। अब ऑफिस में जाके देखते हैं क्या कुछ होने वाला है, अब वहीं जाके पता लगेगा, क्या पता। चलते हैं फिर ऑफिस के टाइम, सुबह का टाइम हो रहा है, मैं जल्दी निकला हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सुबह के टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जैसे सवेरे सवेरे का टाइम है और आज दिन शनिवार है, तो मैं अपनी माता से मिलने के लिए मंदिर जा रहा हूँ। तो काफ़ी दिन हो गया मैं अपनी माता से मिला नहीं हूँ, तो आज मैं मंदिर हो के फिर ऑफिस जाऊँगा ब्लू डार्ट ऑफिस में। तो देखते हैं मंदिर होने के बाद फिर मैं ब्लू डार्ट ऑफिस जाता हूँ, तो वहाँ पर क्या रिएक्शन होता है सबका, और जो हमारा सीनियर है जिन्होंने मुझे पैकेट दिए हैं उनके साथ क्या बातचीत होती है, बाकी अब वहाँ पे जाके पता लगेगा। चलिए, मैं अभी सबसे पहले मैं मंदिर जाऊँगा, वहाँ जाने के बाद फिर मैं आप लोगों को आगे की वीडियो दिखाता हूँ। ये आप लोग देख रहे हैं, ये मैं मंदिर में आ चुका हूँ। ये देखिए, ये मैं जा रहा हूँ, और ये आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में, ये देखिए मैंने प्रसाद भी ले लिया ये मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो अब जा रहा हूँ ये मंदिर के अंदर, ये देखिए मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ मंदिर। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने मंदिर में दर्शन कर लिया, ये मेरी माता का दरबार है, तो ये देखिए यहाँ के दर्शन आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे माथे पे माता जी का टीका लगा हुआ है, तो मैंने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। तो अब चलता हूँ मैं सीधा ब्लू डार्ट ऑफिस की तरफ, काफ़ी लेट हो चुका हूँ, अब वहाँ जाके देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने प्रसाद भी चढ़ा दिया और प्रसाद भी मैंने ले लिया है। तो चलिए अब चलते हैं ब्लू डार्ट ऑफिस पर, देखते हैं वहाँ का इनका क्या रिएक्शन होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए मेरी इस वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मैंने कहा था, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से मैं जाके आ गया हूँ ये वापस। मैंने जितने पैकेट लेने थे वो मैंने ले लिए, मेरे रूट के जितने भी पैकेट हैं वो सारे मैंने उठा लिए हैं।
तो मैंने सोचा था ऑफिस में जाके शायद कुछ हमारा जो सीनियर है उनसे कल बात हो गई थी, तो मैंने सोचा उनके साथ आज फिर जाते समय शायद कुछ घिट पिट होएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है ऑफिस में। हाँ ये है, उन्होंने थोड़ा सा बोला ज़रूर है, वो कह रहे थे कि पैकेट ज़्यादा लेके जाने हैं तुम, उसके बाद पैकेट करते नहीं हो, सेकंड रूट नहीं लेके जाते, लोट नहीं लेके जाते, ना ये करते हो। तो जितने भी मेरे रूट के जो पैकेट मिले हैं वो मैंने सारे ले लिए। तो आप लोगों को पता ही है, इनका कल कॉल आया था, मैंने इनको कहा भी था कि ठीक है आप भिजवा दो, इन्होंने भिजवाए नहीं, पैकेट होएंगे नहीं। तो आज भी मैं इनको कह दिया कि कोई बात नहीं, सेकंड रूट हम मारेंगे ज़रूर, सेकंड लोड जो भी आएगा उसे भी उठा के पैकेट डिलीवर ज़रूर करेंगे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आज मेरे पास कम पैकेट हैं और बैग भी कम भरा हुआ है। मैं आप लोगों को पहले तो अपना ये बैग दिखा देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों ये देखिए मेरा ये बैग, कल जैसे कि आप लोगों को मैंने अपना बैग दिखाया था, फुल लोडेड था, फुल भरा हुआ था ऊपर तक। आज पैकेट कम है तो ये बैग भी थोड़ा सा कम भरा हुआ है। तो मैं आप लोगों को अपनी ये ओटीएम के अंदर दिखाता हूँ मेरे पास कितने पैकेट हैं आज, बहुत मतलब कि पहले से कम है। तो आज तो सेकंड लोड उठा के उसे डिलीवर करना पड़ेगा, तो मैं दिखाता हूँ अपने ओटीएम में। तो ये देखिए मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, ये देखिए ये ब्लू डॉट का ओटीएम है, इसे ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 52 पैकेट आ रहे हैं, 52 पेंडिंग आ रहे हैं, मतलब कि 52 पैकेट हैं मेरे पास टोटल, यहाँ पे 52 आ रहे हैं। अभी मैं पैकेट लेके निकला हूँ, अभी मैंने इनकी डिलीवरी स्टार्ट नहीं करी है। तो चलिए अब मैं आज इनकी डिलीवरी स्टार्ट करता हूँ, अब चलते हैं पैकेट डिलीवर करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मैं आगे की वीडियो आपको फिर से दिखाता हूँ। तो चलिए आज मैं पैकेट डिलीवर करता हूँ ये सारे जितने भी हैं दोस्तों। अब ये देखिए ये मैंने पहला पार्सल निकाला हुआ है, पहला पैकेट, अब ये मैं कस्टमर को डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर मैं डिलीवर करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने डिलीवरी स्टार्टिंग कर दी है। ठीक है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये मेरे इस ऐप पे देखिए ये मैंने डिलीवर कर दिया, यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, जैसे कि पहले मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था डिलीवर का, तो यहाँ पे भी देखिए एक नज़र आ रहा है, तो मतलब कि मैंने डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये डिलीवरी कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाता हूँ मैं कि मैंने सारी की सारी डिलीवरी कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में एक पार्सल है, तो ये पार्सल जिस कस्टमर ने मंगाया था, तो ये कस्टमर अभी बाहर है, ये बाहर के साइड गए हुए हैं, जैसे कि ये ट्रैवलिंग का, टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते होंगे। तो इन्होंने मुझे आज के लिए मना करा है, तो ये इन्होंने कहा है कि आप मुझे ये परसों पकड़ा देना। तो मैंने इनसे पूछा भी है कहीं कैंसिल तो नहीं करना, तो इन्होंने कैंसिल के लिए तो मना कर दिया है। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो लेना है, ये किसी को गिफ्ट में देना है, ये पार्सल मंडे को दे देना। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मंडे। ठीक है दोस्तों, आज का ये पार्सल अभी तक की ये मेरी पहली मतलब कि अनडिलीवर है, UDG से कहते हैं हम, अनडिलीवर पहला है ये मेरा। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास ये ब्लू डॉट का बैग है, ये पूरा भरा हुआ था। तो ये देखिए आज की डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए ये मेरी बाइक खड़ी है, बैग ये मेरी बाइक के ऊपर बैग पड़ा है और ये पूरा खाली हो चुका है। जितने भी पैकेट थे वो सारे मैं डिलीवर कर चुका हूँ। डिलीवर करने से पहले ही दोस्तों मेरे पास 8 या 10 पैकेट रह गए थे और मेरे को ऑफिस से फ़ोन आ गया था। तो ऑफिस वाले कहने लग गए हैं चल अपना सेकंड लोड लेके जाओ, आप कब आओगे? तो मैंने कहा अभी मेरे पास 8-10 पैकेट हैं, इसे डिलीवर करके आता हूँ। तो कह रहा टाइम बता दो कितने तक आ रहे, कह रहे 3:30 बजे तक आ जाना। दोस्तों अभी जैसे कि 3 बज रहे हैं, 3 बजे मैंने सारे पैकेट डिलीवर कर दिए हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर में उनके पास जाऊंगा अपना सेकंड लोड लेने के लिए। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सेकंड लोड के हमें कितने पैकेट मिलते हैं। ठीक है, आपको मैं अपने OTM में से ये दिखा देता हूँ मैंने सारे पैकेट डिलीवर कर दिए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अपना OTM ऑन करके दिखाता हूँ, वहाँ पे 00 नज़र आएगा। ये देखिए मैंने अपने OTM पे क्लिक करा और ये देखिए यहाँ पे पेंडिंग 0 आ रहा है और टोटल 52 आ रहा है और 52 डन आ रहे हैं, मतलब कि मैंने सारे पैकेट डिलीवर कर दिए हैं। तो चलिए सेकंड लोड का मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपने OTM में कितने पैकेट मिलते हैं सेकंड लोड पे। तो चलिए चलते हैं ब्लू डार्ट ऑफिस पे।
जैसा कि आप लोग सभी देख ही रहे हैं, ये मैं ब्लू डार्ट ऑफिस पे जा रहा हूँ सेकंड राउंड के लिए। तो ये देखिए मेरी इस वीडियो में, मैं ब्लू डार्ट ऑफिस जाके अपना सेकंड राउंड लेके आता हूँ। ऑफिस से बार बार फोन आ रहे हैं, तो आगे चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सेकंड राउंड पर मेरे को कितने पैकेट मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं ब्लू डार्ट के ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। जो पैकेट थे वो मैंने अभी ले लिए हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे को कितने पैकेट मिले हैं सेकंड राउंड के लिए। तो ये पैकेट मैंने ले लिए हैं जो मेरे को सेकंड राउंड के लिए मिले हैं। ये देखिए, ये मैंने बैग ले रखा है। तो अब मैं जा रहा हूँ अपना सेकंड राउंड पूरा करने के लिए। ये एक तो मेरे भी है, एक लड़के के और हैं इसी बैग में पार्सल, उसको भी मैं बलदेव नगर में जाके उसे भी उसके पार्सल पकड़ा दूँगा। तो चलिए दोस्तों, सेकंड राउंड की डिलीवरी शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप मेरे यही इस OTM में देख रहे हैं, तो जो ये सेकंड लोड रूट लेके आया था ना मैं सेकंड राउंड का, वो पार्सल भी मैंने डिलीवर कर दिए। और अब पार्सल डिलीवर हो चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा आज के मेरे OTM में, कि जितने भी पार्सल सेकंड रोड के थे वो भी मैं डिलीवर कर चुका हूँ, और सारे पार्सल तकरीबन मैं डिलीवर कर चुका हूँ। अब मैं वापस जा रहा हूँ ऑफिस में, वहाँ पे आज की डिटेल देनी है जो कुछ भी है, और कैश वगैरह जो भी होएगा वो मैंने ऑफिस में जाके देना है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलता हूँ फिर से मैं आप लोगों को कल एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।